जेई मेन के सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं ये कहूंगा नीट के एस्पिरेंट्स के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा खतरा जिसके बारे में स्टूडेंट्स कुछ जानते भी हैं लेकिन जान के भी अनजान रहते हैं, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। नॉट जस्ट वन, तीन क्रिटिकल डेंजर फैक्टर्स आर देयर फॉर योर अपकमिंग जेई मेन और नीट एग्जामिनेशन, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज फैक्टर्स। कई स्टूडेंट्स हमारे थंबनेल या टाइटल से ये लग रहा होगा कि मैं कोई ऐसी बात करूंगा कि एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो फैक्टर्स मैं बताऊंगा वो उससे ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने पिछले एक या दो साल में स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करी है तो आप ये मान के चलें आपकी प्रिपरेशन इन खतरों की वजह से स्पॉइल भी हो सकती है। तीन फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे और उससे पहले मैं स्टैटिस्टिकल एक एनालिसिस या फैक्ट बता देता हूं। हर साल अराउंड 6-8% स्टूडेंट्स यानी 100 में से 6 या 8 स्टूडेंट्स के साथ ये फैक्टर्स हर साल होते हैं, जिस वजह से उनकी प्रिपरेशन जिस लेवल पर होती है वो बहुत अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते हैं लेकिन वो स्पॉइल हो जाता है और एग्जाम पूरी तरह से खराब हो जाता है। कई बार स्टूडेंट के साथ जेई मेन के 2 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट है तो दोनों या चारों अटेम्प्ट भी खराब हो चुके हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और ये फैक्टर्स आप पे पिछले सालों में अप्लाई हुए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, बिकॉज आप जब अपने हाथों से कोई चीज निकालते हो तो हमेशा के लिए बॉडी में से भी निकलती है। दैट्स व्हाट इज अ रिक्वेस्ट एंड यू शुड फॉलो द सेम, आप खुद देखेंगे। और हमारे सभी नए व्यूअर्स के लिए दिस इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ होल फिजिक्स गैलेक्सी की टीम कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज फॉर जेई मेन नीट और एनी कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन लॉट ऑफ strategies and academic content is there on the system which is going to help you out. अब बात करते हैं उन तीन बड़े खतरों की जिनसे आपको बच के रहना है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना, that's very important. सबसे पहला जो खतरा है वो examination hall blackout. आपके साथ अगर अभी तक कभी नहीं भी हुआ है तो पहली बार भी examination hall में हो सकता है, जब कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसी चीजें सामने आती हैं जो हमारी करी हुई नहीं है या जिन चीजों को करा हुआ लगता है लेकिन जब करने लगते हैं और सॉल्व नहीं होती तो ब्रेन एक ट्रैप में आ जाता है और कई बार examination hall में माइंड ब्लैंक होने लगता है। 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगातार ना होने से भी एक ट्रैप आता है और उस सिचुएशन में फिर हम इजी चीजें भी भूलने लगते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है तो जरूर कमेंट में पोस्ट करना। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज से बचने का एक ही तरीका है, जो आपको एग्जामिनेशन से 2 या 3 दिन पहले अपने आप को बार बार बोलना पड़ेगा कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं तो एग्जामिनेशन हॉल में उसको मैं छोड़ के आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी और वहां पर ट्रैप नहीं होंगे। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत कॉमन फैक्टर है लेकिन एग्जाम में उसके बावजूद प्रेशर इतना हाई होता है कि हम ट्रैप में फंस जाते हैं और ब्लैकआउट सिचुएशन आती है, उसके बाद का पूरा टाइम एग्जाम का वेस्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एग्जामिनेशन से पहले माइंड का मेंटल एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होता है। इस सिचुएशन में मेंटल एंग्जाइटी का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे स्टमक और डाइजेशन सिस्टम पे होता है और कई स्टूडेंट जिनके सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम है, वीक टॉपिक्स ज्यादा हैं, तो उनकी जितनी तैयारी उसके बावजूद एग्जाम से पहले स्टमक अपसेट हो जाता है, लूज मोशंस होना शुरू हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बार वॉमिट होना शुरू हो जाती है, ऐसे में टेंशन और बढ़ जाती है कि एग्जामिनेशन डे पे क्या होगा। ये जनरली एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले ही होता है, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। आपके साथ भी कभी हुई हो तो पोस्ट जरूर करना और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो एग्जाम से 3-4-5 दिन पहले से ही लाइट फूड लेना शुरू करिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर इंटेक बढ़ा दीजिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा क्योंकि आपकी सिटिंग बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा फूड ज्यादा कैलोरीज की जरूरत नहीं है, तो ओवर ईटिंग ना करें, बाहर का खाना ना खाएं, बिल्कुल सादा सात्विक भोजन करें, दैट इज एडवांटेजेस फॉर यू। और अपने आप को मेंटली ट्रेन करें, येस यू आर फिजिकली फिट और आप एग्जाम पे अपनी जितनी तैयारी है उसके लिए पूरी तरह से फोकस्ड हैं। तीसरा सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है एक्सीडेंटल सिचुएशन इन जस्ट बिफोर 4 or 5 days ऑफ एग्जामिनेशन। एक्सीडेंटल सिचुएशन का मतलब है कि एग्जाम से पहले क्योंकि आपकी मेंटल सीरियसनेस बहुत ज्यादा है तो काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस मेंटल सीरियसनेस में कहाँ वॉक कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या बॉडी मूवमेंट है, इस पर ध्यान नहीं जाता। अगर आपका रूम फर्स्ट फ्लोर पर है तो सीढ़ी चढ़ते हुए कई बार पैर फिसलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है क्योंकि दिमाग कहीं और है, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट अगर स्टेयर क्लाइंब कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली स्टेप बाय स्टेप क्लाइंब करें, अगर घर में मूव कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली स्टेप्स लें क्योंकि कई बार ये देखा गया है बच्चे टेबल के कोने से टकरा के गिर जाते हैं और हाथ सोफे के ऊपर टकरा गया या जमीन पर टकरा गया और राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया या नी कैप ब्रेक हो गया, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम एग्जाम से जस्ट पहले होती हैं। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट इससे बचने के लिए थोड़ा सा अपने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, घर से बाहर या कोई फिजिकल स्पोर्ट में तो बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, खेलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मेंटल एंग्जाइटी एग्जामिनेशन की वजह से हाई रहता है। ये तीन ऐसे खतरे हैं जो एग्जाम कंडक्शन से ज्यादा खतरनाक है। माय डियर स्टूडेंट, आई स्ट्रांगली विश आप लोग जिस लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हो उससे बेटर एग्जाम को फोड़ के आओगे।
और इस कमेंट में पोस्ट करके जाना, यस सर हम आपको प्रॉमिस करते हैं, वी प्रॉमिस वी आर गोइंग टू मेक इट टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस आपका सिलेबस किस लेवल पे, जितना है जो आपने किया है लास्ट के 3 दिन में, जो मैंने अब तक गाइडलाइन दी है, आप शॉर्ट नोट्स पे फोकस करें, क्विक रीडिंग और हाईलाइट्स पे फोकस करें और जो किया है उसको अच्छी तरह से करें। बाकी फॉर्मूले भी अगर करके जाते हैं तो किस्मत आपका साथ देगी, जो टॉपिक आपने नहीं किया उसके जो फॉर्मूले आपने करें उसी में से क्वेश्चन आएंगे, आप खुद देख लीजिएगा। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो ऊपर वाला एग्जामिनेशन पेपर में आपका साथ देगा। डू नॉट डाउट मच अबाउट योरसेल्फ, डू नॉट बॉदर मच अपॉन द सिचुएशन, बी कॉन्फिडेंट अबाउट जो आपने करा है वो फोड़ के आना ही है। जस्ट पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑन बिहाफ ऑफ होल फिजिक्स गैलेक्सी टीम विश ऑल द बेस्ट।